मित्रों, आप लोग एक वीडियो क्लिप देखो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया है। एक लोग को इन्वर्टर दिया गया था, इतनी अधिक लापरवाही किया कि छिपकली अंदर चली गई, कभी इन्वर्टर को साफ नहीं किया। इतनी गंदगी, इतनी चीटी की वजह से मदरबोर्ड शॉर्ट होके बर्न हो गया। हम आपको बताएंगे, अगर आप ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर लगा रहे हैं तो कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर मत लगाओ। ये चीजें आपको इसलिए जानना जरूरी है कि आप पैसा लगा रहे हो तो सावधानी और सफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मित्र, यहाँ पे 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर एक लोग को लगाया गया था, मतलब 4-5 महीना चला। और मित्रों, कभी उसका फिल्टर जो होता है कभी सफाई नहीं किया, इतनी गंदगी उसके अंदर चली गई, चीटी भर गई, और इतना लापरवाही किया कि छिपकली अंदर चली गई। और ऐसे स्थान पर लगाया कि छिपकली अंदर गई, पीछे मदरबोर्ड में जाके चिपक गई और मर गई। उसकी मरने की वजह से ढेर सारी चीटियों ने एकदम उस पे हमला कर दिया और इसके बाद मदरबोर्ड शॉर्ट हो गया। आईजीबीटी, मॉसफेट और पार्ट भी एकदम पूरी तरीके से बर्न हो गए, सोलर कार्ड भी जल गया, ओनली छिपकली और सफाई न करने की वजह से। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जो है ट्रांसफार्मरलेस इन्वर्टर लगा रहे हैं किसी कंपनी का, मैं नहीं बोलता हूं कि आप मेरा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, किसी का भी आप इन्वर्टर लगा रहे हैं, मित्रों आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने इन्वर्टर का फिल्टर अगर आप में लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, आप बैटरी का एमसीबी गिरा के कनेक्ट पावर ऑफ करके 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में अच्छे से हवा मार दो, सफाई कर दो, चालू इन्वर्टर में नहीं, बंद करके प्रॉपर पावर काट के। इसके बाद मित्रों, आप लोग जो है इन्वर्टर को प्रॉपर ध्यान दें। कहीं पे अगर आपका मतलब कि होल दिखता है या आप वायर जहां से लगता है वायर के माध्यम से घुसते हैं, वहां पे आप कुछ पेपर लगा दो कि वायर में जो बचा जगह है उसके थ्रू छिपकली ना हलने पाए। अभी मदरबोर्ड खराब हो गया। अब मित्रों, यहाँ पे लोग बोलेंगे यार क्वालिटी में कमी है। मित्रों, मैं आपको बता दूं, छिपकली हो गया, चूहा हो गया। एक लोग को मैंने इन्वर्टर बेचा था कानपुर में, हुआ क्या, चूहा गया, पूरा वायरिंग काट दिया, काट के पूरा मतलब कि वायरिंग ही शॉर्ट हो गया, वायरिंग शॉर्ट हो गया, तभी पता नहीं चला, इन्वर्टर झेलते 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 तब जाके आईजीबीटी शॉर्ट हुआ। तो मित्रों, आप लोग हमेशा अपनी इन्वर्टर का ख्याल करें, आप पैसा लगा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे परचेस कर रहे हो, किसी से लो, उसकी सफाई प्रॉपर करो, फिल्टर को साफ रखो। और कहीं भी आपको बड़ा होल दिखता है वहां पे कोई थर्माकोल हो, कोई चीजें आप लगा दो, छिपकली ना घुसने पाए, नहीं तो आपका इन्वर्टर को खराब कर देंगे। बाद में आप बोलोगे यार मुझे तो लोकल क्वालिटी इन्वर्टर मिल गया। तो इन सब बातों को आपको ध्यान देके चलना है। मैंने आज से 1.5 साल पहले एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, सेलक्रोनिस का मतलब कि इन्वर्टर के बारे में जानकारी दी जा रही थी। कमेंट में एक भाई ने कमेंट किया था वहां पे कि मेरा इन्वर्टर छिपकली चली गई, मदरबोर्ड खराब हो गया, बनवाने के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, कोई नहीं बना रहा है। पर मैं उस समय काम नहीं कर रहा था, उस समय मैं रिपेयरिंग कर देता। मतलब छिपकली से बहुत सारे लोगों का इन्वर्टर खराब हुआ है, आपको सावधानी बरतनी है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना, इन्वर्टर लेने के लिए मुझे कॉल करना।